नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारी मजेदार कहानियों की दुनिया में। आज हम सुनेंगे एक प्यारी और दिलचस्प कहानी। कहानी का नाम है साहसी बंदर और सुनहरी नदी। तो चलो सुनते हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। उनमें से एक था साहसी बंदर, जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा नई चीजों को जानने और रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वाह, आज का दिन बहुत सुंदर है। मुझे कुछ नया और रोमांचक करने का मन कर रहा है। मोहन, तुम हमेशा इतना उत्साहित कैसे रहते हो? जीवन को मजेदार बनाना हमारे हाथ में है। मुझे हर दिन कुछ नया और अद्भुत खोजने में मजा आता है। एक दिन मोहन ने जंगल के बुजुर्ग जानवरों से सुना कि जंगल के दूसरी ओर एक सुनहरी नदी है। कहा जाता है कि वह नदी जादुई है और जो भी उसमें स्नान करता है उसे अद्भुत शक्तियां मिलती हैं। मोहन, मैंने सुना है कि वह नदी बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां ही तो रोमांच का हिस्सा है। मुझे उस सुनहरी नदी को देखना ही होगा। मोहन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और अपनी जरूरत की चीजें साथ ली। उसके दोस्तों ने उसे शुभकामनाएं दी और उसकी हिम्मत की तारीफ की। मोहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें यकीन है कि तुम अपनी यात्रा में सफल होंगे और कामयाबी हासिल करोगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आपको अपनी यात्रा की कहानियां सुनाऊंगा। मोहन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे घने जंगल को पार करना था। जंगल में कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे थे। मोहन ने ध्यान से चलना शुरू किया और हर कदम पर सतर्क रहा। मुझे यहाँ हर कदम पर सतर्क रहना होगा। यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही जहरीला और खतरनाक भी। अरे बंदर, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? नमस्ते मेंढक जी, मैं सुनहरी नदी की तलाश में हूँ। कृपया आप मेरा रास्ता ना रोके, मुझे जाने दे। अगर तुम इतने साहसी हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना यह जंगल जहरीला और खतरनाक है तथा यह हर किसी के लिए नहीं है। जंगल पार करने के बाद मोहन को ऊंचे पहाड़ों का सामना करना पड़ा। पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। यह पहाड़ वाकई बहुत ऊंचा है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। सुनहरी नदी तक पहुंचने के लिए मुझे हर चुनौती को पार करना होगा। वाह, यहां से दृश्य कितना खूबसूरत और देखने लायक है। मुझे विश्वास है कि मैं यह चढ़ाई भी पार कर लूंगा। पहाड़ पार करने के बाद मोहन को एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। खाई बहुत चौड़ी थी और उसे पार करना आसान नहीं था। मोहन ने चारों ओर देखा और उसने एक वयस्क बैल को देखा। मुझे यह खाई पार करनी होगी। यह सोचते हुए मोहन ने बैल को पकड़कर उसकी मदद से खाई के ऊपर झूलते हुए गहरी खाई पार की। हुर्रे, मैंने इसे कर दिखाया। अब मुझे सुनहरी नदी तक
पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंततः मोहन ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए सुनहरी नदी तक पहुंच गया। नदी वाकई बहुत सुंदर और चमकदार थी। मोहन ने नदी के पानी में स्नान किया और उसे अद्भुत शक्तियों का अनुभव हुआ। वाह, यह नदी वाकई जादुई है। मुझे अब अपनी यात्रा की सारी मेहनत सार्थक लग रही है। सुनहरी नदी से लौटने के बाद मोहन ने वापस अपने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। उसे अपनी यात्रा के दौरान किए गए सभी अनुभवों पर गर्व था। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों को ये सारी कहानियां सुनाएगा। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी यात्रा खतरनाक मोड़ों से भरी बहुत रोमांचक और अद्भुत थी। मोहन, हमें तुम्हारी रोमांचक और साहस से भरी कहानियाँ सुनने का इंतजार है। तुमने वाकई में बड़ा साहस दिखाया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि साहस और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो और कभी हार मत मानो। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।